आज हम लोग बनाएंगे तेल कोई। इसके लिए जो सामग्री हम लोगों को चाहिए ये है कोई फिश, कोई मच्छ। इस तरह से आप काट के इसको साफ कर ले बिल्कुल। और उसके साथ में आपको चाहिए नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। मैंने यहाँ पर 6 पीस मछली लिया हुआ है, उसके लिए मैंने आधा टीस्पून जो लाल मिर्च पाउडर है वो लिया है, आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने जीरा पाउडर लिया हुआ है, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 तेज़पत्ता, सरसों का तेल इसको बनाने के लिए, और थोड़ा सा घी। चलिए बनाना शुरू करेंगे। तेल मछली के अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक मिला लेंगे और इसको अच्छा सा लगा के हम लोग कोट कर लेंगे। इस बीच मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है, मस्टर्ड ऑयल है। तेल गर्म हो जाएगा तो उसको फिर हम लोग ये मछली के पीसेस को उसमें फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने हल्दी और नमक को इसमें लगाया हुआ है। इस तरह से सारी मछली में आप इसको कोट कर लें और इस तरह से आप इसको फ्राई करेंगे। हम लोग देखिए देखिए सारे मछलियाँ हम लोगों ने फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम लोग जो बचा हुआ तेल है उस पर आगे का प्रोसेस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जीरे का तड़का लगा रहे हैं। ये आप कर भी सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। इसमें डाल दें आप जो जीरा पाउडर है, हल्दी है और मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। ये सारे मसालों को आप एक साथ डाल दें और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको चला लें और साथ में डालें तेज पत्ता और अदरक, अदरक जो पेस्ट हम लोगों ने लिया हुआ था। और इन सारे सामग्रियों को हम लोग 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए 2 मिनट हम लोग फ्राई कर लेंगे। जैसे ही तेल आपका ऊपर आने लग जाएगा तो हम लोग इसमें डाल देंगे पानी ताकि मसाला जो है वो गले ना। देखिए ये हो गया है। अब हम लोग पानी थोड़ा सा हल्का सा डाल देंगे और इसको फिर 1 मिनट के लिए चला लेंगे। देखिए जैसे ये अच्छा सा खोल गया है पानी, अब इसमें हम लोग जो फिश हम लोग फ्राई करके रखे हुए थे, कोई माछ जो हम लोगों ने फ्राई करके रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। और इसको हल्के हाथों से मिला लेंगे क्योंकि फ्राई फिश जो है ऑलरेडी फ्राइड है और मसाला भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम लोग अल्टी पल्टी कर देंगे मछलियों को ताकि दोनों तरफ से ही मछली के अंदर जो इसका ग्रेवी है वो चले जाए, क्योंकि ये मछली जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली बनेगी नहीं, बहुत ज़्यादा तरी नहीं रहेगा, इसमें हल्का सा ही ग्रेवी रहेगा और इसी में ही ये कुक हो जाएगी। इसको 2 मिनट के लिए हम लोग कुक होने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद इसको उतारेंगे। देखिए 2 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए, ये आप देख सकते हैं। अब इस पर हम लोग डाल लेंगे जो घी हम लोगों ने रखा हुआ था, वो घी करीब 1/2 टीस्पून और इसको मिला लेंगे पूरे मछली के साथ। फिर से हम लोग मछलियों को थोड़ा अल्टी पल्टी कर लेंगे। देख सकते हैं इसमें ग्रेवी बिल्कुल ही कम है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी होगी नहीं, ऐसे ही ये बनती है। अब इसको हम लोग उतार के सर्व कर लेंगे। ये बनके तैयार है तेल कोई। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो नए विजिटर्स हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के जो भी वीडियो के नोटिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले आपको मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।